नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। एक तरफ जहां बिहार में कोरोना संकट गहरा रहा है, मरीजों का इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, ये भी शिकायतें आती हैं, तो वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पर अस्पतालों में व्यवस्थाओं का टोटा पड़ा हुआ है। ये खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये बिहार के सहरसा ज़िले की है, जहां पर ज़िले में कोरोना संक्रमण का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके सहरसा सदर अस्पताल में 6 बेड का ICU, 6 वेंटिलेटर सहित सभी सामानों को 6 वर्षों से बंद रखा गया है। जिलाधिकारी कौशल कुमार कहते हैं कि राज्य स्तर से टेक्नीशियन की मांग की गई है, टेक्नीशियन प्राप्त होते ही सुचारू संचालन आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड मरीजों के इलाज के लिए जिले के 8 निजी अस्पतालों से आवेदन प्राप्त हुआ है, जहां कोविड मरीजों के इलाज को 82 बेड हैं, जिसमें से 12 ICU बेड भी सम्मिलित हैं। निजी अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले बेड, ICU और चिकित्सीय सुविधाओं से कोविड के गंभीर मरीजों को जिले में बेहतर इलाज का विकल्प मिलेगा। वहीं स्थानीय कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, आप वो भी सुन लीजिए। ICU और वेंटिलेटर का जो बंद पड़ा हुआ है, क्या है मामला, क्या कर रहे हैं? देखिए, सहरसा सदर अस्पताल में 6 वेंटिलेटर यहाँ तैयार है और माननीय मंत्री मंगल पांडे जी से हमारी बातचीत हुई है। 1-2 दिन के अंदर इस वेंटिलेटर को चालू करने के लिए जो टेक्नीशियन चाहिए, उस टेक्नीशियन को आउटसोर्सिंग के व्यवस्था पर उसका टेक्नीशियन को भेजने के लिए उसका पत्र निर्गत 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। तो सुना आपने, मंत्री जवाब दे रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि कितने बेड का अस्पताल है और कितनी व्यवस्थाएं हैं इसमें, ये लेकिन फिलहाल जो है वो बंद पड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से हमारी बातचीत हुई है, वेंटिलेटर को चालू कराने के लिए जो टेक्नीशियन चाहिए उन टेक्नीशियन को आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पर बहाल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त किया है कि 1-2 दिनों में इसका पत्र निर्गत कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब वर्षों से सदर अस्पताल में ICU है तो उसे चालू क्यों नहीं करवाया गया, जबकि हालात ऐसे हैं कि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जिले में बढ़ती जा रही है और ऐसे में अस्पतालों में ICU के संचालन को बंद रखना कहीं ना कहीं एक तरह की लापरवाही भी है और एक तरह की निष्क्रियता को भी दिखाता है। इसी का कारण है कि मरीज लगातार हलकान हो रहे हैं। सहरसा सदर अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर मरीजों का इलाज तो दूर, यहाँ पर ICU सेक्शन को जो है वो चालू नहीं किया गया है, वर्षों से ये बंद पड़ा हुआ है और इसी बदहाली का नतीजा है कि मरीज हर रोज़ जो है वो हलकान हो रहे हैं। ज़िले में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, साथ ही साथ बिहार की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ तो मरीजों का आंकड़ा इस तरह से बढ़ता जा रहा है, हर रोज़ 10,000 और 12,000 से ऊपर के आंकड़े को छूता जा रहा है मरीजों की संख्या जो है, और यही चिंता का सबसे गंभीर विषय बना हुआ है। फिलहाल बात कर रहे थे सहरसा जिले की, जहां के सदर अस्पताल में ICU को चालू नहीं करना किया गया है, 6 वर्षों से ये ICU बंद पड़ा हुआ है और ऐसे में इलाज पर सवाल उठने लगे हैं। तो मंत्री को आपने सुना, वो भी कह रहे थे कि मंगल पांडे से उनकी बातचीत हो गई है और उनके द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार 2-3 दिनों में इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी और टेक्नीशियन का जुगाड़ कर दिया जाएगा, टेक्नीशियन बहाल कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से ICU को चालू किया जा सके। अब देखने वाली बात यह होती है कि ICU कितने दिन में चालू हो पाता है और मरीजों को कब तक इसकी सुविधा मिल पाती है। आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।